Welcome back to first length video of B with B. In this video, I am going to tell you the honest review of Brahmastra movie. शुरुआत के दिनों में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तभी मैंने इस मूवी के रिव्यूज देखे थे. लोग इस मूवी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे थे. बाकी तो मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर फुल्ली ऑपोजिट है. पहले पहले जब मूवी के रिव्यूज सुने थे तब तो ऐसा ही सोचा था कि मूवी नहीं देखनी है. फिर आया 23rd of September को नेशनल सिनेमा डे. सिर्फ 75 रुपीज में टिकट मिल रही थी तो सोचा चलो देख के आते हैं, वो भी 3D में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन से. स्टोरी है एक ब्रह्मास्त्र की, जो कि एक पावरफुल वेपन है या कहो अस्त्र है, जिसके पीछे पड़े हैं बुरे लोग जुनून, जोश और रफ्तार. ये नाम तो हमारे साइंटिस्ट साहब ने मूवी में रखे थे, उन सबका ओरिजिनल नाम तो कुछ और ही है. बहुत साल पहले अमृता ने ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया था और उसे 3 अलग अलग लोगों के प्रोटेक्शन में रखा था, जिसमें से एक को आपने ट्रेलर में ही देखा होगा, नागार्जुन अक्किनेनी, और बाकियों के 2 नाम नहीं बताऊंगा, अगर बता दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा, उसको आप मूवी में ही देख लेना. और उन तीनों के पास ब्रह्मास्त्र की टुकड़ों की सुरक्षा के लिए थे स्पेशल अस्त्र, जस्ट लाइक वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र एंड अग्नि अस्त्र. इस मूवी का विलन या कहो इस पार्ट का विलन, दैट मींस मौनी रॉय, जिसके पास भी एक अस्त्र है, नाग अस्त्र. सभी अस्त्र के डिफरेंट कलर्स है, लाइक वानर अस्त्र इन येलो कलर, नंदी अस्त्र इन ब्लू कलर एंड अग्नि अस्त्र इन फायर कलर. जैसे कि आपने सेंची मूवी में देखा होगा कि जब 10 रिंग्स वेनमू के पास होती है तब वो ब्लू कलर की होती है और जब वो सेंची के पास आती है तब वो ऑरेंज कलर की हो जाती है. ये सिमिलर कॉन्सेप्ट इस मूवी में भी दिखाया गया है. जब अस्त्र पॉजिटिव साइड में होता है तब कोई और कलर, और जब नेगेटिव साइड में जाता है तब कोई और कलर हो जाता है. इसके अलावा इस मूवी में और भी अस्त्र दिखाए गए हैं, नाग अस्त्र, प्रभास्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र, गजास्त्र, कुल मिला के टोटल 16 अस्त्र है. इसमें से कुछ इस पार्ट में दिखाए हैं और कुछ पार्ट 2 में दिखाएंगे. अगर रिव्यूज की माने तो लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि इस मूवी में लव स्टोरी ज्यादा दिखाई गई है. आई थिंक वो लव स्टोरी नहीं दिखाते तो एंड में बिना फायर के सिवा अग्नि अस्त्र कैसे बना सकता, जो कि उसका बटन था. VFX, एक्टिंग, स्टोरी लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट थी. इस मूवी में सिवा की बैक स्टोरी भी दिखाई गई है कि क्यों सिवा के पास फायर पावर्स है. मूवी में और 2 कैरेक्टर्स भी है जिसे अभी तक रिवील नहीं किया गया. मदर एंड फादर ऑफ सिवा, दैट मीन्स अमृता एंड देव. फैन थियोरीज के अनुसार सब लोग देव के कैरेक्टर को रणवीर सिंह के साथ और अमृता को दीपिका पादुकोण के साथ कंपेयर कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कौन हो सकता है ये 2 एक्टर्स? मूवी के साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक परफेक्टली मैच हो रहा था. एंड इन दी एंड आई एम रेकमेंड टू यू, जस्ट गो एंड वॉच ब्रह्मास्त्र एटलीस्ट 1 टाइम इन 3D. अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट में आपके रिव्यू बताना मत भूलना. अब तो सिर्फ वेट हो रही है ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 की. एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया कि 22nd ऑफ सितंबर यानी थर्सडे को ब्रह्मास्त्र मूवी का कलेक्शन था 3 करोड़, एंड 23rd ऑफ सितंबर यानी नेशनल सिनेमा डे को 11 करोड़. या कहो नेशनल सिनेमा डे से इस मूवी को बहुत फायदा हुआ. तो फिर अब 26th ऑफ सितंबर से 29th ऑफ सितंबर तक आपको ब्रह्मास्त्र मूवी सिर्फ 100 रुपीज में देखने को मिलेगी. तो फिर जल्दी से जाके देख लो अगर देखनी हो तो. तो चलो फिर इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन सी यू अंटिल द नेक्स्ट.